बहन मायावती जी बीजेपी का काले कारनामा पर वो पर्दा उठाती है। बीजेपी वाले बसपा को डर गए हैं। बहन मायावती जी कठोरता से बीजेपी को आड़े हाथ में लेते हुए हर कोई रैली में बहन मायावती जी बीजेपी को क्रिटिसाइज करती है, चाहे ये गोरखपुर रैली कहिए या लखनऊ रैली कहिए या जिस जगह भी जाइए उस जगह पर बहन मायावती जी बीजेपी का काले कारनामा पर वो पर्दा उठाती है। और बहन जी ये भी बताती है कि बीजेपी का शासन का पीरियड में कैसे दलित पिछड़े एससी एसटी लोगों का सर्वनाश हुआ है। बहन जी ये बताती है बीजेपी एक दलित विरोधी पार्टी है, बीजेपी के कारण आज भी जातिवाद मनुवाद और धर्म के नाम पर लोगों में बांटा जा रहा है और भारत का इकोनॉमिक कंडीशन को बीजेपी ने भारत में बर्बाद कर दिया है। ऐसे ना जाने कितने बार बहन मायावती जी उनका हर रैली में बीजेपी के खिलाफ बोलती है, फिर भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भारत का गृह मंत्री अमित शाह जी योगी जी हर कोई बीजेपी वाले बसपा को क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहे हैं, ये कहते हैं बीजेपी वाले कहते हैं बीएसपी आप चुनाव में अच्छा कर रहे हैं और बीजेपी वाले बीएसपी का गुणगान कर रहे हैं। इतने सब कुछ हो जाने के बाद गुणगान करना, बीजेपी वाले बीएसपी का गुणगान करना मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये सोचू क्या ये सोची समझी रणनीति तो नहीं, या मुसलमान वोटों को रोकने के लिए अल्पसंख्यक वोटों को रोकने के लिए या डराने के लिए तो ऐसे बात किया नहीं जा रहा है, वक्त ही बताएगा। या बीजेपी वाले बसपा को डर गए हैं, कहीं दलित वोट उन्हें ना मिले इसीलिए ये डर के मारे इसे बात कह रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न मन में आता है, फिर भी बसपा कभी भी पीछे नहीं देख रहा है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी अपना रणनीति के साथ हर कोई रैली में विरोधियों का छक्का छुड़ा रही है, क्योंकि 2022 यूपी इलेक्शन में ऐसे पता चल रहा है कि आने वाला वक्त यूपी बसपा के कब्जे में ही जा रहा है, चाहे पूर्वांचल कहिए पश्चिमांचल कहिए या मध्य यूपी कहिए सेंट्रल यूपी कहिए, हर जगह पर बसपा दमखम का साथ अपना प्रदर्शन जारी कर रहा है। दूसरी तरफ आप चले जाइए, गोदी मीडिया बसपा के खिलाफ है, ये बसपा को कमजोरी दिखा रहा है। गोदी मीडिया ये भी बता रहा है उत्तर प्रदेश में बसपा कंटेस्ट में नहीं है। दूसरी तरफ जब हम चले जाएंगे तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, होम मिनिस्टर भारत का गृह मंत्री अमित शाह जी, योगी जी, हर कोई बीजेपी वाले बसपा का गुणगान कर रहे हैं। यहां से पता चलता है इन लोगों का पॉलिटिकल डिप्लोमेसी कैसे है। इसीलिए बहुजन साथियों, दलित पिछड़े ओबीसी वर्ग का लोग बीजेपी वाले की बातों में आना नहीं चाहिए, ये बीजेपी का एक सोची समझी रणनीति है। और ये भी सही बात है, सच को ये छुपा नहीं पा रहे हैं। मीडिया जितने छुपाने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन सच सच ही होता है। वर्तमान तारीख में बसपा का जनाधार उत्तर प्रदेश में ज्यादा बढ़ गया है, ये सच कोई छुपा नहीं सकता। इसीलिए अपनी अफ जेपी नड्डा साहब जी, अमित शाह जी के मुंह में आ जा रहा है।
सच बात सच ही होता है, चाहे आप जितना कोशिश कर लो छुपाने के लिए, छुपाना नामुमकिन है। आने वाला कल मार्च 10 तारीख को ही पता चलेगा वक्त कैसे करवट बदल रहा है। हमारा एक ख्याल है मार्च 10 तारीख में बसपा अपना ताजकोशी का तैयारी कर देना चाहिए, क्योंकि बसपा का वोटर साइलेंस वोटर होते हैं। बसपा का वोटर भोकल नहीं है, ये वोटर कोर वोटर है और कैडर वोटर है। ये ज्यादा कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बसपा में हर साल वोट कर देते हैं। 2007 में ऐसे ही हुआ था, बसपा को 10 सीट दिखा रहे थे, लेकिन बसपा एब्सोल्यूट मेजोरिटी का साथ उत्तर प्रदेश में 2007 में शासन किया। इस बार बसपा और मजबूती का साथ आगे बढ़ रहा है। हर कोई इस फेज का इलेक्शन में बसपा का फेवर में दिखाई दे रहा है। वर्तमान यूपी में हर कोई पार्टी को काटते हुए बसपा आगे बढ़ रही है। बसपा को यूपी में कोई रोकने वाला भी नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।